कैसे जी आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो है ना वो होंगे जी घर के बहुत सारे काम, मतलब कि जो मैं डेली रूटीन में नहीं करती, महीने में एक या दो बार कर लेती हूँ, लेकिन आज आपको घर वाले काम दिखाने लगी हूँ कि मतलब मैं घर के कितने काम करती हूँ, किस तरह से करती हूँ, घर को मैनेज करती हूँ और सारे काम करती हूँ, मतलब हांडी भी करती हूँ, रोटी भी करती हूँ, सब करती हूँ। जी वीडियो का इंट्रो जो है मैं अब शूट कर रही हूँ, लेकिन मेरे काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने पहले शूट कर ली हैं, तो वो आप लोगों को देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी जो है मैंने हांडी बना ली है आज, बल्कि मैं आज लेट उठी हूँ, मैं उठती हूँ 7:30 और आज जो है मैं उठी हूँ 8:15, ठीक है, 45 मिनट लेट उठी हूँ, तो मेरे जो हैं काम लेट हो गए हैं। ये अब मैं बैठी हूँ सुबह की, जब से मैं उठी हूँ पहले मैंने नाश्ता बनाया, मेरे बच्चों को बहुत भूख लग रही थी, मैंने पहले नाश्ता बनाया, उसके बाद मैंने साथ ही बर्तन धोए, साथ ही मैंने हांडी बनाई, बिलाल को रोटियां बना के दी, बिलाल का जूस बनाया ताकि बिलाल ऑफिस जाए, उसके बाद जो है मैं काम शुरू करूँ। भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी है पीछे, और वो सारे लास्ट वीक धुले थे, वो 3 ब्लैंकेट हैं, एक पूरिया का है, एक मेरा है और एक हमदान और बिलाल का है, वो और वो तकियों के कवर भी मैंने उतारे हैं, वो बच्चों के तकिए उनके कवर उतारे हैं ताकि वो भी धुल जाए। भी मैंने लगानी मशीन मैंने असल में लगानी थी सैटरडे को, क्योंकि इस वीक ना मैंने हाथ से बहुत कपड़े धोए हैं, तो मेरा सैटरडे का प्रोग्राम था, लेकिन सैटरडे को जो है बच्चों का रिजल्ट था, तो मैंने कहा मैं आज ही मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि कल फ्राइडे है, तो मैं आज ही कपड़े धो लेती हूँ, फिर इस्त्री भी हो जाएंगी, आमना भी आएंगी, मामा भी आएंगी, और अभी मैंने ये वाला फर्श धोया है और वॉशरूम मेरा धुल गया है, अभी मैं शावर लेने जा रही हूँ और मशीन मैंने लगाऊंगी बच्चों को ट्यूशन भेज के, क्योंकि मेरा दिल नहीं बेचारा, मैंने कहा चलो मैं शावर लेके पहले, जब तक मैं अपने मुझे होता सोचता कि मैं शावर लेके ना अपने बाल सुखाती हूँ, बाल मेरे सूखते हैं फिर मैं कोई काम करती हूँ, गीले वालों के साथ मेरे साथ कोई काम नहीं होता, मैं कहती हूँ नहाया हुआ बंदा बगैर नहाया हो गया कि भाई मैंने सारे काम बाल सुखा के फिर करनी है। जी मुझे चोट लग गई थी, मैंने शायद एक व्लॉग में भी आपको बताया था, तो वो इतना बुरा ज़ख्म बन गया है और उसमें इतनी तकलीफ़ है, मैं खैर इस पर दवाई लगा रही हूँ, बिलाल ने मुझे स्पेशल दवाई ला के दी है यहाँ लगाने के लिए, और अलमारी लग गई थी मुझे, कैबिनेट, किचन की कैबिनेट खुली हुई थी और मेरा उसमें जाकर उसकी नोक लग गई थी मुझे, उस वक्त तो इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक दो दिन बाद ना इस पर ज़ख्म बन गया है। तो जी अभी जी काम शुरू करते हैं और आपको साथ साथ लेके चलते हैं, नीचे के बहुत काम है, नीचे इतना गंद हुआ है कि आपकी सोच होगी, मतलब मेरे लिए तो वो गंदी है क्योंकि मेरे कपड़े धोने वाले पड़े हुए, मेरे लिए तो गंदी है, तो आप लोगों के लिए पता नहीं क्या होगा वो। चलो जी अभी काम शुरू करते हैं। ये जी हमदान हो रही है अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि रोज़ ही हर वक्त कर रहे थे, इनको मैं यहाँ पे खेस बिछा देती हूँ ताकि ये बेड पे ना हर वक्त बैठें, तो ये लोग अभी नहाए थे तो एसी मैंने बंद किया हुआ था, तो अब मैं शावर लेने के बाद जो है एसी चलाऊंगी। अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मशीन जो है मैं 12 बजे लगाऊँगी, तब तक मैं मोबाइल यूज़ करूँगी और बच्चों के साथ बातें करूँगी, इनको थोड़ा सा पढ़ाऊँगी, इनसे बातें करूँगी। जी तो मैं ऊपर आ गई हूँ, कपड़े धोए हैं, मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, सफाई की है, नीचे का फर्श धोया है और बहुत दिनों बाद नीचे का वॉशरूम धोया है। नीचे का वॉशरूम जो है मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाती, ना मैं यूज़ करती हूँ, मैं जाती ही नहीं हूँ, मैं दरवाज़ा भी नहीं खोल के देखती हूँ। तो आज जो था कि ग्रोसरी की थी कल रात को, तो हार्पिक तेजाब वगैरह सारा कुछ नीचे था, तो मैंने कहा चलो जी वॉशरूम धो ही दो, वरना सारा कुछ नीचे लेके जाना पड़ता स्पेशल, और फिर मुझे बिलाल को साल लेके जाना पड़ता है कि भाई यहाँ बैठ जाओ मैं वॉशरूम धो लूँगी, तुम यहाँ बैठ जाओ। तो आज सारा को नीचे था, तो मैंने कहा चलो यार मैं साथ साथ फर्श भी धो रही हूँ तो वॉशरूम भी धो देती हूँ, वो भी मेरा धुल गया, और मैं अभी कपड़े चेंज किए और अभी बच्चे आएंगे, बच्चों से मैंने वादा किया कि मैं आपको कलर दिला के लाऊँगी, तो उनको कलर दिलाने जाऊँगी, मेरे बाल भी थे गीले हैं, और अब बस थोड़ी देर आराम करूँगी, आधे घंटे बाद बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि आज मुझे नीचे 1.5 घंटा लगा है, मतलब थोड़ी देर 45 मिनट मेरे कपड़े धुल जाते हैं, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 दफ़ा धोती हूँ और सफाई में मुझे बहुत देर लगी, मैंने सोफे हटा के सफाई की, अब ये सफाई हो गई है, नीचे का कारपेट धुला है और बस पर्दे रह गए हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीक नीचे के पर्दे धोऊँगी और उससे नेक्स्ट वीक जो है ऊपर के पर्दे धोऊँगी। जी तो यहाँ पर जो है बिलाल के मैंने कपड़े प्रेस कर दिए, ये 1, 2 और 3, ये बिलाल ने पहले ट्यूसडे वेडनसडे नहीं मंडे ट्यूसडे वेडनसडे, तो 3 दिन बिलाल ने पहनते, और जो सैटरडे और सैटरडे को 1 सूट, संडे को 2 सूट, वो तीनों सूट मैंने हाथ से धो के इस्त्री भी कर दिए थे, अब ये इस हफ्ते के 3 सूट, अभी मैं बच्चों को लेके बाहर जा रही हूँ और आऊँगी, तो ये सारे जो हैं मसाले ये मैंने बदले हैं बोतलों में, तो जेली है बच्चों के लिए, जेली बनाऊँगी बच्चे समझे, ये पिंक मसाला है क्योंकि डब्बा में नीचे फेंक रही थी, खाली जल्दी निकाल रही थी, बाकी जी ये सारे मसाले हैं जो कि मैंने बोतलों में भरने हैं और ये सारा भरना है। इस बार हमने ऑयल जो है चेंज कर लिया है, बोर्जेस का ले लिया है, पहले हम यूज़ कर रहे थे ये वाला पॉन्स का। हाँ बेटा चल रहे हैं, मुंह धो लो फिर चलते हैं, और ये भी चेंज करना है, हाँ कर लो, ये भी चेंज करना है सारा कुछ। ये है मेरा मसाला जार, मसाले मैंने फिल कर दिए, मैंने कहा पहले मैं यही काम कर लेती हूँ, और ये जी इस तरह की इसकी बोटल्स हैं, ये ज़ीरा है मैंने भी फिल किया है, और ये आगे मिर्चें, धनिया,
नमक, पिस्ता हुआ गरम मसाला जी। इस तरह से जो है ये लग जाता है यहाँ पर मसाला जार मेरा। तो इस तरह से इसको निकालने में आसानी होती है। पहले जो दीवार में लगने वाला होता था वो यहाँ पे पूरा नहीं आता था, तो मैंने ये लिया था ईद से पहले, तो ये आराम से इसमें पूरे तरह मेरा मसाले फिल हो गए हैं। धनिया बल्कि और पीसने वाला है, मैंने इसका एक पूरा पैकेट पीसा था तो ये आधा बना है, क्योंकि और पीसेगा ये एक महीने का नहीं है, ये 20 दिन का भी नहीं है। ये रखी हुई है पर्ची जिसको हमने जिससे हमने सारा सामान लिया था ना, ये वो पर्ची रखी हुई है मैंने, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें वापस करवानी है। और वो अंदर मैंने अजवाइन रखा है, अजवाइन बल्कि लेकर आई हूँ मैं और, लेकिन अभी मेरे पास कोई बोतल नहीं है अजवाइन रखने की। ये हल्दी है तो यहाँ पे मैंने चीनी भी कर दी है हाफ, क्योंकि पैकेट में पूरा लेके नहीं आई, मैंने फ्रिज में रखी होती है चीनी और वो वाली मैं नीचे छोड़ आती हूँ, चूंटियाँ भरने लग गई हैं हम इसलिए फ्रिज में रखते हैं। और ये जी पत्ती हम रात को लाए थे और इसको भी जो है लगा देते हैं। हाँ जी, बच्चों की मैंने बना दी है जेली, क्योंकि अभी बिलाल की कॉल आई थी, बिलाल ने मुझे कहा कि बाहर नहीं जाना किसी ने भी और कलर जो है मैं खुद ले आऊँगा, तो मैंने कहा बच्चों की जेली बना देते हैं ताकि बच्चे जो हैं भूल जाएँ कि उन्होंने कलर लेने जाना है। अभी बच्चे जो हैं अंदर बोतल पी रहे हैं। मानो मानो बोतल पी रही हो आप और क्या कर रही हो? अभी ये भी सामान मैंने ग्रोसरी का जो मैं नीचे से लाई थी, अभी मैंने लगाना सारा, ये लगाना है, ये लगाना है, ये हो गया कि जो मछली रखी हुई है, और ये रामदान, और ये पेस्ट भी लगाना है मैंने अभी अंदर। बेटा ये बनाना खा के ख़त्म करो। इस बार जो शैम्पू लिया है मैंने ये वाला, इसमें एक ऑयल भी होता है, मतलब इसी कंपनी का प्याज वाला एक ऑयल भी होता है और शैम्पू भी होता है। मेरी नानी ने ये 2 साल पहले लिया था, मुझे रहीम पे नज़र आया था, मेरा ये प्रोग्राम था, उन्होंने शालमी से लिया था, मेरा ये प्रोग्राम था कि मैं 1-2 महीने बाद जो है शालमी से इसको मंगवा लूँगी उनसे, लेकिन मुझे ये शालमी वाली ही प्राइस पर रहीम स्टोर से मिल गया था। मतलब शालमी में था 400 कुछ का, तो ये मुझे यहाँ भी ना रहीम पर भी 400 कुछ का ही मिला है, और बड़ा प्यारा सा। नहीं बेटा और बोतल नहीं पीनी, तो अब मैं जो है ये यूज़ करूँगी। आज मुझे याद ही रहा क्योंकि आज मैंने सामान अभी निकाला नहीं था तो इसलिए रह गया था ये। तो मैंने ये किया है इस बार कि मेरी जो इन तीनों चीज़ों की जो बोतलें थी, इस बार मैं थोड़ी बड़ी बड़ी लेकर आई थी, मैंने ये तीनों तेज़ाब और दोनों हार्पिक की जो बोतलें थी ना, इनको हाफ ऑफ किया और ये बाकी जो है नीचे कमरे में रखूँगी अब। तो ये रही मेरी तीनों बड़ी बोतलें जो मैंने यहाँ लगा दी हैं, और इनमें से आधी 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 से कम खैर डाल के नीचे बिछा दिया। और अभी ये जो है ना शैम्पू, इस शैम्पू को मैं हाफ शैम्पू ना नीचे वॉशरूम के लिए करूँगी, इसमें डाल दूँगी बिलाल के लिए, क्योंकि बिलाल जो है नीचे वाला वॉशरूम यूज़ करते हैं। तो इसमें से ये वाला शैम्पू मैंने इसमें डाल दिया है, और इसमें भी पानी मिला दिया है, इसमें भी पानी मिला दिया, और इसमें तो ऑलरेडी पानी है। मैं शैम्पू आधा शैम्पू और आधा पानी यूज़ करती हूँ, मतलब शैम्पू आते हैं बड़े जार, उसको हाफ हाफ करती हूँ मैं, एक नीचे का और एक ऊपर का, और इसमें जितना इतना शैम्पू है ना इतना तो उसमें इतना पानी मिला देती हूँ, और इसमें इतना शैम्पू था तो इतना पानी मिला दिया। अब इसमें से मैंने इतना निकाल के ना शैम्पू इसमें कर दिया, यहाँ पर ना हल्का सा नज़र भी आ रहा है, इसमें इतना शैम्पू है और बाकी सारा पानी है। इसमें भी इतना शैम्पू मैंने डाला था, बाकी सारा इतना पानी डाला मैंने, यहाँ से झाग नज़र भी आ रहे हैं, और ये भी मैंने हाफ पानी कर दिया। इसलिए नहीं कि ये देर से ख़त्म हो और शैम्पू ज़्यादा टाइम तक चले, इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि भाई जो इसमें इतने सारे केमिकल्स होते हैं और वो सारी चीज़ों से जो है बच सके, बाल ज़्यादा केमिकल यूज़ ना करें, बाल डैमेज हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं ज़्यादा केमिकल यूज़ करने से। और इस बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने ये डिब्बा, मेरा कंडीशनर ख़त्म हुए हुए 5-6 दिन हो गए हैं, तो मैंने इसको फेंका नहीं था कि इस बार मैं कंडीशनर लाऊंगी तो हाफ जो है ऊपर रख लूँगी कंडीशनर और हाफ नीचे रख लूँगी, लेकिन हुआ क्या कि कंडीशनर ही नहीं मिला। मैंने 1 साल पहले इसको लिया था तो उस टाइम ये मुझे मिला था 1200-1300 का, तो रहीम स्टोर वालों ने मुझे बताया कि जो ये कंडीशनर है लास्ट टाइम इसकी प्राइस जो आया था कि 2-4 महीने पहले आया था 1900 रुपये में ये आया था, और अब जो इसकी प्राइस है 2500 चल रही है। लोरियल का कंडीशनर मैंने देखा था वो 2600 का था, लेकिन वो इतनी सी बोतल थी, आप गूगल पे देख सकते हैं, आपको आराम से मिलेगा, वो इतनी सी बोतल थी। बिलाल ने कहा 2600 का बंदा ले रहा, लेकिन उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होने की, देखो ना ये 1000 ग्राम है और वो तकरीबन ना 500 ग्राम भी नहीं था और 2600 का था। तो फिर अब मेरी नंद आएगी तो मैं उससे ना ये वाला कंडीशनर शालमी से ही मंगवाऊंगी। मैंने ये कंडीशनर शुरू किया था 499 से मैंने इसको स्टार्ट किया था, और उस टाइम ये रहीम पे था ही नहीं जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, आज से 5.5 साल पहले, क्योंकि मेरा हमदान 5.5 साल का हो गया, तो आज से पूरे 5.5 साल पहले मैंने इसको स्टार्ट किया था। तो मैं इसको मंगवाऊंगी, फिर इनको हाफ ऑफ करूंगी, और फिर जो है आधा नीचे और आधा ऊपर यूज़ होगा। अभी ये बिलाल का शैम्पू ही मैंने नीचे छोड़ के आना है। यहाँ पर जो खाली किया है मैंने अपना रोटेटिंग वाला स्टैंड, और कुछ चीज़ें निकाली हैं जो मैंने नहीं यूज़ करनी वो एक तरफ करनी है, जो यूज़ करनी है वो एक तरफ करनी है। यहाँ मैंने इसकी भी स्टैंड किया। अच्छा, मैं अपना रोटेटिंग कॉर्ड साफ़ करती हूँ तकरीबन 2 से 3 महीने बाद, क्योंकि मुझे पता होता है 2-3 महीने तक इसमें सामान है, और इसमें 2-3 महीने बाद होता है। बेटा ये मैंने देनी है पप्पो को, देनी है पप्पो यूज़ करती हैं ये जो मेरी नानी यूज़ करती है। लास्ट टाइम वो आई थी, मैंने उनसे कहा था आप ले लो, रानी बजी आई थी, मैंने उनसे कहा था आप ले लो, तो लेकिन वो
भूल गई इससे। इसके अलावा एक दो फाउंडेशन थी वो मैंने दूसरी मन को दी थी, अपनी उमा बाजी को दी थी। और यहाँ पर जिसकी मैंने सेटिंग, अच्छा मैं यहाँ पे ना आपको बड़ी मज़े की एक चीज़ बताने लगी हूँ। ये है जी हमारा का हमारा एनक वाला एक कप, इसमें हमारे साहब की सनग्लासेस होती है। ये है जो ट्यूब्स वाला, इसमें होती है कैंचियाँ और ऑइंटमेंट वगैरह होती हैं, इसके अंदर नेल कटर होता है, नाड़ेदानी होती है। ये एक मैंने इसका बनाया हुआ है। यहाँ पर जी मैंने लगाए हुए हैं सारे हेयर बैंड हूरिया के, और ये एक मेरा है और बाकी हूरिया के, हूरिया ने लगाया हुआ है। अच्छा ये है जी हूरिया का इधर बैंड्स का, हेयर बैंड्स का एक पैकेट, एक बॉक्स जो कि ख़त्म हो गया है। और ये जी मैंने हूरिया के बनाई हैं, इसमें जी हूरिया की पिन्ने हैं, पोनियाँ हैं, केचड़ियाँ हैं और काफ़ी कुछ है इसके अंदर। ये बिल्कुल नई है, अभी इसने यूज़ नहीं की। और ये मेरी चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, मैंने अभी नई ख़रीदी हैं चूड़ियाँ, वो रखी हुई हैं, ईद पर पहनूंगी। और ये जी है इतना प्यारा सा एक बॉक्स, ये इसमें मैंने इसको मैंने लिया था, बॉक्स मैंने लिया था ये, इसके अंदर ये वाली एक पोनियाँ थी, मैंने $1 शॉप से लिया था 220 का, उसमें सिर्फ ये वाली पोनियाँ थी, एक रेनकोट था, रेनकोट मेरे पर रखा हुआ है, कभी दिखाऊंगी आपको, और एक दो बड़ी पोनियाँ थी बस। बाकी मेरे पास मैंने बॉक्स के लिए इसको लिया था और बॉक्स मेरे आ गया, मेरे पास आ गया, इसमें मैंने सारी हूरिया की चीज़ें डाल दी हैं। तो उसने जो पहनना होता है तो मैं इसमें से आसानी से निकालती हूँ, फिर उसकी चीज़ें जो हैं घूमती नहीं हैं। ये जी यहाँ पर आ गया, इसकी सेटिंग हो रही है। अभी मैंने जो है उसको विम डाल के बाल्टी में रखा है धोने के लिए, रोटेटिंग स्टैंड को, फिर वो विम डाल के ना उसमें चिकना लगा हुआ था, असल में ना मेरे पास था लोगों ने बादाम, तो मैंने उसको डब्बे से निकाल के ना ऐसे रख दिया था, तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा 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 जो है गिरता, और वहाँ पे बाल भी चिपकने लग गए थे क्योंकि ऑयल था। मैंने सोचा कि ये वाला रोगने बादाम और ये कस्टर्ड ऑयल, ये दोनों जो है ना मैं डब्बे में डाल के ही रखूँगी उसके अंदर। जी धुल गया है और इसको मैंने जो है विम के साथ और टूथब्रश के साथ धोया है, तो काफ़ी हद तक साफ़ हो गया। ये है वो जगह जहाँ पे ऑयल रखा गया था तो ये ख़राब हो गई, और यहाँ से ये जगह भी ख़राब हो गई, आपको अलग से नज़र आ रहा होगा। बाकी सारा अच्छे से साफ़ हुआ है, बस ये जगह नहीं साफ़ हो सकी। मैंने इसको बहुत रगड़ा नहीं साफ़ हुई। पता नहीं इस पर तेज़ाब डालूंगी तो शायद साफ़ हो जाए, मुझे ये भी डर लग रहा था कि तेज़ाब डालने से कि जल ना जाए। बिलाल आएंगे तो उनसे पूछूंगी, अभी इसको खुशा करते हैं, सामान लगाती हूँ इस पर, फिर नेक्स्ट टाइम जो है इसको बिलाल से पूछ के फिर ये साइड को तेज़ाब से धो लूँगी। है सेट, और अब आप सिर्फ ये देखेंगे कि खाली कितना हो गया है। ये ऊपर से देखें कितना खाली हुआ है और पीछे ज़्यादा गया हुआ है, और ये जो नीचे से देखें आप कितना खाली हो गया। मैंने इतना कुछ निकाला है, इतना कुछ निकाला है कि इस पर से बस, हाँ हमदान ने मेरी हेल्प की है ये सारा कुछ करवाने में, और काफ़ी कुछ खाली हो चुका है। साथ में मैंने ये भी समेट दिया है, ये मेरा रहता है, वो मैं किसी और दिन करूँगी, और मेरे काम जो है ख़त्म हो गए। तो काम जो है मेरे ख़त्म हो गए, अब सिर्फ मैंने खाना खाना है। 4 बजे हैं और अभी मैं खाना खाऊंगी 4:30 बजे तक, और आधा घंटा जो है लेटूंगी, और अब सर मेरे काम होता है। मेरी दोस्तें कहती हैं कि अल्लाह तुम ना वीडियो बनाया करो, ब्लॉग्स बनाया करो, घर के काम शाम वगैरह की चीज़ें बनाया करो, तो मैं देख के हमारा भी दिल करने लग जाता है काम करने का। तो मैं काफ़ी ज़्यादा घर के ब्लॉग मेरे से बहुत कम बनते हैं, तो आज मैं काम कर रही थी तो मैंने कहा चलो ब्लॉग बना लेती हूँ। मेरी दोस्तें भी मुझे बहुत ज़्यादा कहती हैं, अच्छा वो कहती हैं कि हमारा ना काम करने को दिल नहीं करता, तुम्हारे सर पे तो कोई ऐसा मसला भी नहीं है, कोई मतलब कोई कहता भी नहीं कि काम आज ये आज ज़रूर करना है, और तुम फिर भी कर लेती हो। तो होता पता क्या होता ये है कि जिन्होंने काम करने होते ना तो वो तो काम कर लेते हैं, और हाँ जब सर पर किसी का बोझ होता ना कोई, क्या ये काम आज करना है, इसको इस तरह करना, तो उसको ऑटोमेटिकली दिल नहीं करता करने को। अब मुझे पता है कि भाई मैंने मंडे को ये काम करना है, ट्यूसडे को नहीं करना, वेडनेसडे को करना, थर्सडे को नहीं करना। मैंने कुछ इस तरह से ना दिन बनाए होते हैं कि मैं थकूं भी ना और काम भी मेरे सारे होते हैं, हूरिया भी फट जाएगा। तो इस तरह से कुछ रूटीन में रहती है। काफ़ी लोगों को काम वगैरह की वीडियो देख के मोटिवेशन होती है कि भाई आप, मेरी दोस्तें मुझे कहती हैं कि हम कहते हैं कि आयला ने आज पर्दे धोए हैं तो अब हम कल जो है हम भी पर्दे धोएंगे। तो इस तरह से होता होगा, यकीनन होता होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।